आज मैं बताने वाला हूँ कुछ खास, क्योंकि ये ट्रिक होने वाली है आपके लिए बहुत ही खास। क्योंकि इस ट्रिक में मैं बताऊंगा आपको कि इंडियन आर्मी के दौरान अगर आपका 1 या 2 सेंटीमीटर सीना कम पड़ रहा है तो उसे कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसका। अपन राहुल है ना, तो मतलब कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड। राहुल जो कि झारखंड से आया हुआ है, इसका चेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कितना है, और उसके बाद जो ट्रिक बताऊंगा आपको वो ट्रिक होगी सॉलिड, जिससे आपका चेस्ट होने वाला है काफी 2 से 3 सेंटीमीटर अच्छा फूलने वाला है। तो इसका देखिए 82 सेंटीमीटर आ रहा है, अब फूला तो इसको फुलाने पे 87 सेंटीमीटर इसका चेस्ट आ रहा है। तो अब क्या होगी ट्रिक, वो ट्रिक बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप भी इंडियन आर्मी में जा रहे हो और उस टाइम पे आपका अगर चेस्ट कम है तो आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक लाजमाना है जिससे आपका 1 या 2 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए जान लीजिए ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनी हाउ कंडीशन वहाँ पर टाइम मिल ही जाता है, जब आपका रनिंग हो जाता है कंप्लीट, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो चेस्ट में आपको टाइम मिलता है। और टाइम के दौरान आपको क्या करना है, मैं जैसे ही आपको टाइम मिलता है आपको तुरंत पुशअप्स की पोजीशन पर पहुंच जाना है और पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर देना है। स्लो पुशअप्स लगाएं आप, इतनी फास्ट आप कई बार क्या होता है, जैसे कि ये बच्चे स्टार्ट में जो गलती किया था वो गलती आपको नहीं करना है। ऐसे आपको स्लो स्लो पुशअप्स लगाना जितना हो सकता है, पहली बार में आप पुशअप्स लगाएं लगभग, आप देखिए आप इसमें दो चीजें हैं, कई लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट में इतनी पुशअप्स लगा देते हैं फिर धीरे धीरे कम करते हैं। तो हम गेनिंग कर रहे हैं, मतलब कि मसल्स को फुला रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, स्टार्ट में अगर आप मान लो कि 100 पुशअप्स लगा सकते हैं तो स्टार्ट में आपको मान लो सिर्फ 25 पुशअप्स लगाना है, रुक जा 25 पुशअप्स लगाना है। 25 के बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट ले लेना है, जैसे ही आपको फिर से फौजी अगर दिखाई नहीं दे तो फिर से आपको लगाना स्टार्ट कर देना है। अब जब हम गेनिंग कर रहे हैं, मतलब कि पंपिंग कर रहे हैं पुशअप मसल्स की, तो उस टाइम पे आपको क्या करना रहेगा, कम से ज्यादा की ओर जाना रहेगा, ज्यादा से कम की ओर नहीं आना रहेगा। यानी कि आपने पहली बार 25 पुशअप लगाए तो अगली बार आप कम से कम 35 पुशअप लगाए। आपने 35 पुशअप जैसे ही लगाया तो आपका पंप मतलब कि चेस्ट थोड़ा पंप करने लगेगा और जो आपकी कैपेसिटी 100 वो आपको आप ऐसे ही पंपिंग मतलब कि ऐसे ही इंक्रीज करेंगे तो आपका चेस्ट अच्छे से फूलने लगेगा। कंटिन्यू लगाता रहे। तो दोस्तों ये है ट्रिक सॉलिड, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और आपका हैंड टू हैंड आपको अगर बढ़ाना है पुशअप्स से तो ये वाइड करके पुशअप्स लगा लीजिए, जैसे आपसे पुशअप्स लगा रहा है वैसे पुशअप्स लगाइए आप। ओके कूल। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना चेस्ट आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, फिर पुशअप्स लगाइए तुमने 40 पुशअप्स लगाइए। चलिए 40 पुशअप्स में देख लेते, पहले मैंने कितना नॉर्मल में कितना निकाला था तेरा चेस्ट? 82। तो देखिए अभी मैंने बिल्कुल भी टेप को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें इसका 83 सेंटीमीटर चेस्ट हो चुका है और फुला फुला। हाँ कोई बात नहीं, डीप ब्रीथिंग कर, सामने देख, चल फुला, ये गुड। तो ये फुलाने पे इसका 88 आ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिफरेंस तो आ ही चुका है, ये डिफरेंस आपको कराएगा फास्ट। अगर आप चेस्ट में हो रहे हैं, आपको तकलीफ आ रही है 1 या 2 सेंटीमीटर की, आपको परेशानी आ रही है, तो ये ट्रिक है सॉलिड जो कि आपको करा देगी इंडियन आर्मी में पास। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।